नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है बगला मुखी अंतर त्राटक। इसे हम बगला मुखी मानस ध्यान के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम बगला मुखी अंतर त्राटक के बारे में जानेंगे। माता बगला मुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इन्हें स्तंभन की भी देवी कहा जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगला मुखी से बढ़कर कोई साधना या पूजा नहीं मानी जाती। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे शत्रुनाशिनी, पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या। इसके अलावा इन्हें विक्ट्री विनर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोई भी कार्य क्षेत्र हो जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जब भी बगला मुखी साधना या पूजा करवाएंगे तो विजय प्राप्त होगी ही, इसकी गारंटी जैसी मानी जाती है। इसलिए माता बगला मुखी विक्ट्री विनर मानी जाती हैं। इनकी साधना बहुत ही मुश्किल होती है। सामान्यतः गुरु से दीक्षा लेकर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र द्वारा इनकी सिद्धि प्राप्त की जाती है। इसमें करीब करीब 10 से 11 महीने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकते उन्हें बगला मुखी अंतर त्राटक या बगला मुखी मानस ध्यान करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि बगला मुखी अंतर त्राटक के लाभ कि क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है, वाक सिद्धि यानी वाणी सिद्धि मिलती है, स्तंभन करने की शक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति आती है, आपका शरीर तंत्र बाधा से सुरक्षित हो जाता है, वाद विवाद में सफलता मिलती है। ये हर तरह का दुख समस्या तथा शत्रु पीड़ा को स्तंभित कर देती हैं। सरकारी अड़चनों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, राजनीति क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो बार बार चक्कर लगाते हैं उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं बगला मुखी अंतर त्राटक या बगला मुखी मानस ध्यान कैसे करें। एक शांत कमरे का चुनाव करें, दरवाजे की घंटी, मोबाइल फोन को बंद कर दें, ढीले ढाले वस्त्र पहने, अगर पीला वस्त्र पहने तो और भी अच्छा है, नहीं तो कोई भी ढीले ढाले वस्त्र पहने, ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने। सिर्फ एक कुर्सी पर या जमीन आसन बिछाकर बैठ जाएं, अपने ठीक सामने बगला मुखी की मूर्ति या फोटो को रखें। अब अपने आज्ञा चक्र को थोड़ा सा पिंच करें और बगला मुखी का बीज मंत्र हीलिंग HLEEM, इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो HLEEM हीलिंग का उच्चारण करें। हीलिंग जो बीज मंत्र होता है इसे हम स्तंभन मंत्र कहते हैं। ये बगला मुखी का बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा, आज्ञा चक्र को पिंच करें, बगला मुखी का बीज मंत्र हीलिंग का उच्चारण 1 मिनट तक करें। अब एक टक कुछ सेकंड तक उस चित्र या मूर्ति को देखते रहें, आंख बंद कर लें और उस मूर्ति को या चित्र को अपने आंखों के सामने लाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए यह चित्र या मूर्ति आपके आंखों के सामने आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गायब हो जाएगी। पहले दिन यह अभ्यास 5-6 मिनट तक ही करें। अब दूसरे दिन निश्चित समय पर फिर अभ्यास शुरू करें, अपने दोनों आंखों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर पिंच करें, 1 मिनट तक बगला मुखी बीज मंत्र हीलिंग का उच्चारण करें। अब उस चित्र को या मूर्ति को अपने आंखों के सामने लाने का पुनः प्रयास करें। इस तरह से आप देखें कि जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आंखें बंद करने के बाद माता बगला मुखी का जो चित्र है या इमेज है, ज़्यादा समय के लिए आपकी आंखों के सामने टिकना शुरू हो जाता है। बस यही आपको चाहिए। अब आपका अभ्यास, जब आपका अभ्यास 21 से 25 दिन का हो जाए तो आप देखेंगे कि मूर्ति या चित्र आपकी आंखों के सामने 2 से 3 मिनट तक टिकना शुरू हो गया है। याद रखें, ये चित्र या मूर्ति शुरुआत में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा, लेकिन 2-3 मिनट तक दिखाई देने लगे तो ये मानकर चलिए कि आपने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया है। ऐसा करने से माता बगला मुखी की जो खासियत है या जो उनकी गुण हैं वह आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर होना शुरू हो जाता है, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाता है, आप जिससे भी मिलेंगे उसे आप प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह अभ्यास आपको रोज करते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। अगर आप किसी बहस या विवाद में जा रहे हैं, किसी वाद विवाद में जा रहे हैं जहां लड़ाई झगड़ा होने की भी शंका है, तो सबसे पहले आप एक हल्दी का टुकड़ा अपने हाथ में लें, 1 मिनट तक लेम 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 लेम
का उच्चारण करें और माता बगलामुखी को अपने आंखों के सामने ध्यान में लाकर यानी मानस त्राटक कर आशीर्वाद मांगे और जाएं। आप देखेंगे कि आपको अपने कार्य में सफलता मिलती जा रही है। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत ही खास क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो चावल के साथ पीला फूल हाथ में लें, 1 मिनट तक ह्लीम 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 का उच्चारण करें और माता बगलामुखी को अपने आंखों के सामने ध्यान में लाकर यानी मानस त्राटक कर आशीर्वाद मांगें और मीटिंग में जाएं। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है, सरकारी काम अटका हुआ है, रोज रोज एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भागदौड़ हो रही है, तो थोड़े सरसों या राई के दाने हाथ में लें, 1 मिनट तक ह्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और माता बगलामुखी को अपने आंखों के सामने ध्यान में लाकर मानस त्राटक करें और आशीर्वाद मांगे फिर जाएं। कोई बहुत ही खास क्लाइंट अगर आपसे मिलने आया है या आपको उनसे मिलने जाना है, तो छोटी सी चंदन की लकड़ी अपने हाथ में लें, 1 मिनट तक ह्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और माता बगलामुखी को अपने आंखों के सामने ध्यान में लाएं, आशीर्वाद मांगे और उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाएं। लेकिन वो चंदन की लकड़ी अपने जेब में जरूर रख कर जाएं। किसी वाद विवाद या किसी समस्या के निपटारे के लिए जब भी कोर्ट कचहरी जाना पड़े, तो सबसे पहले सुपारी और हल्दी हाथ में लेकर 1 मिनट तक ह्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करें, माता बगलामुखी का ध्यान करके आप आशीर्वाद लें और फिर जाएं। वह सुपारी और हल्दी अपने जेब में भी रख सकते हैं या आप मंदिर में रख कर जाएं। अगर राजनीति क्षेत्र की बात करें तो पीले कपड़े पहनकर हाथ में हल्दी का टुकड़ा लें, 1 मिनट ह्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करें, माता बगलामुखी का ध्यान करें और जब माता बगलामुखी का चित्र आंखों के सामने एकदम क्लियर आ जाए, उस समय आप उनसे अपने कार्य के लिए अपनी मनोकामना करें और अपने कार्य के लिए जाएं। कोई व्यक्ति आपके नौकरी क्षेत्र में या व्यवसाय क्षेत्र में अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसके द्वारा आपको अपने जीवन में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, तो एक सूखी मिर्च हाथ में लेकर 1 मिनट तक ह्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करें, माता बगलामुखी को ध्यान में कर उनके चित्र को अपने आंखों के सामने लाएं और अपनी जो भी मनोकामना है वो कहें और उस मिर्च को पानी में या आग में डाल दें। याद रखें, अगर आप सही हैं तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि बगलामुखी स्तंभन की देवी मानी जाती हैं। कोई भी बुरा काम बुरा कार्य आपके विरुद्ध कर रहा है तो स्तंभन मतलब उसे रोक देना, मतलब बगलामुखी की ये क्षमता है कि उस व्यक्ति को जवान से, उसके कार्य से, उसके स्वभाव से रोक देना, उसको स्तंभन कहा जाता है। तो ये क्षमता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखिए। जिन व्यक्ति को विश्वास नहीं है वे इसे मजाक समझें। माता बगलामुखी बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल तांत्रिक देवी मानी जाती हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्वभाव मधुर होता चला जाना चाहिए। आपके स्वभाव में घमंड आते ही इस अभ्यास का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। कोई आपको भला बुरा या गाली दे तो भी आप अपना नियंत्रण न खोएं, गलत नियत से कभी भी कोई कार्य न करें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे स्त्री पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है, लेकिन उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस अभ्यास को करें। आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ धन्यवाद।